है हिंद 24 टीवी। मड़ियाहूं विधानसभा के रामपुर बाजार में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव राजवीर यादव ने भदोही मड़ियाहूं हाईवे पर रामपुर थाने के ठीक सामने गड्ढे में तब्दील हो चुकी सड़क पर धान लगाने बुधवार की दोपहर पहुंचे तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके आधा दर्जन समर्थकों को धान लगाने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और सपा समर्थकों में जमकर बहसबाजी एवं धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस धान की नर्सरी को छीनने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सकी, लेकिन थाने के सामने पुलिस कर्मियों ने धान की रोपाई करने से रोक दिया। बाद में कार्यकर्ताओं ने थोड़ा आगे जाकर भदोही मड़ियाहूं हाईवे पर धान की रोपाई कर सरकार विरोधी नारे लगाए। सपा नेता राजवीर यादव ने कहा कि योगी सरकार गड्ढा मुक्त सड़क देने की जनता से वादा कर चुकी थी, लेकिन आज जनता भदोही से लेकर मड़ियाहूं विधानसभा तक सड़कों के गड्ढों में तब्दील हो जाने से आए दिन दुर्घटनाओं में मौत को गले लगा रही है। जब यह सरकार सड़क को ठीक से नहीं बनवा पाएगी तो हाईवे पे धान की रोपाई करना ही सही है। जी बताइए राजवीर जी, क्या मैं बड़े शांति ढंग से अच्छे तरीके से अपने नौजवान साथियों, मैं देखिए यहाँ मड़ियाहूं का विधानसभा मड़ियाहूं का हूं और मैं पार्टी समाजवादी पार्टी जिला महासचिव जी, और विधानसभा की जो रोड है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने से कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि गड्ढा मुक्त होगा पूरा प्रदेश जी। आज आए दिन सारी सड़कों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं अपने मड़ियाहूं विधानसभा की मड़ियाहूं से लेकर रामपुर भदोही तक की रोड दिया, मैं बड़े शांति ढंग से अच्छे तरीके से अपने नौजवान साथियों, मैं देखिए यहाँ मड़ियाहूं का विधानसभा मड़ियाहूं का हूं और मैं पार्टी समाजवादी पार्टी जिला महासचिव जी जी, और विधानसभा की जो रोड है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने से कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि गड्ढा मुक्त होगा पूरा प्रदेश जी। आज आए दिन सारी सड़कों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं अपने मड़ियाहूं विधानसभा की मड़ियाहूं से लेकर रामपुर भदोही तक की रोड की बात करता हूँ, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता, कोई ना कोई मरता है, तो यहाँ हमारे विधायक जी भी हैं, यहाँ हमारे सांसद जी भी हैं, लगातार आते जाते हैं, तो क्या उनको नहीं दिखता है? बस हम लोग बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से बस यही दिखाने आए थे कि अगर हो सके तो यहाँ धान लगवाइए, नहीं तो फिर रोड बनवाइए ना। आए दिन किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा, कोई मर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ भी घटना घट रही है। अभी रक्षाबंधन के दिन आप देखे होंगे यहाँ की राजापुर की एक महिला थी, वो एक्सीडेंट हो गया मातीवर के पास रोड से, आए थे ये जो समस्या हो रहा है इसका कौन निवारण करेगा? आखिर उनके हम उनको अगर हम दिखाने का काम नहीं करेंगे तो आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, चलिए थाने में, चलिए थाने में, हम तो कोई ना यहाँ पे धरना देने जा रहे हैं ना तो हम कुछ करने जा रहे हैं, आप हमको जबरदस्ती पकड़ रहे हैं। और रही बात आपकी, जी सर नहीं नहीं भैया, सबसे बड़ी समस्या भैया उधर दिखाइए कैमरा, ये रामपुर थाना है, देख लीजिए रामपुर थाना है, और इधर दिखाइए भैया, और यहाँ पे इतना पानी था, अभी स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, यही हमारे हम इनके भी पक्ष की बात कर रहे हैं, लोग कैसे आते जाते होंगे, इनकी एक यूनिफॉर्म जो होती है उसका एक मर्यादा होता है, लेकिन इतने इतने पानी में लोग ध्वजारोहण किए हैं, तो मैं इनके सबके साथ हूँ, इनके सबके साथ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तब भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमारा एक निवेदन है जो भी सुने समझे हमारे नौजवान साथियों, क्योंकि ये सरकार बहुत ही गंभीर सरकार है जो कि लगातार अत्याचार करते जा रही है। अब देखिए हम आए हैं शांति तरीके से ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने, ना तो हमारा कोई यहाँ किसी चक्का जाम करने का मकसद है, ना हमारा कोई मकसद है। खैर अब जो भी है हमने तो कर दिया, लेकिन ये विरोध चलता रहेगा। अब कह रहे थाने सामने ना करने के लिए कहीं और कर दिया जाएगा, ठीक है? तो हमारा निवेदन है भाई, आप लोग समझिए इस बात को, वास्तव में रामपुर का रोड बहुत ख़राब है, आए दिन लोग एक्सीडेंट हो रहा है, कोई अपना माँ बाप खो रहा है, कोई अपना बच्चा खो रहा है, इस चीज़ से निजात दिलाएं मानी यहाँ की विधायिका लीना तिवारी जी और यहाँ के सांसद जी सरोज जी, बड़ी बड़ी बात कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ करके दिखाने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।